सिर्फ इनके पास बैठते ही हमको सुकून मिलता है, सिर्फ इस भोलेनाथ के पास बैठते ही हमको सुकून मिलता है। श्री क्षेत्र के 16 शासन के अंदर वीर नरसिंहपुर, जिसको पंचकोसी के अंदर काशी कैलाश माना जाता है, उसका जो बहुत अच्छा सबसे बेहतरीन जो त्यौहार है शिव विवाह शीतल षष्ठी, उसको बारीकी से हम देखेंगे। 3 दिन का लगातार आप वीडियो देखेंगे बारीकी से, उसके क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या साइंस है, किस कल्चरल और ट्रेडिशनल कॉस्ट से उसको बनाया गया था, एक एक सेलिब्रेशन को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। मुद्दतों से, बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से बिछड़े हुए गाँव से, घर से बिछड़े हुए आदमी जब ढूंढता ढूंढते अपने गाँव में आ जाता है, गाँव को पा जाता है, घर को पा जाता है, तो जितनी सुकून, जिस तरह का सुकून शांति आनंद से मिलता है, उसी तरह का पर उससे बहुत ज़्यादा सुकून शांति आपको इस वीडियो देखने में, इस चीज़ों में, मिलने में, घुलने में मिलेगा। पर इससे पहले कि हम उसका अंदर रियल सेलिब्रेशन में जाए, हम ये क्यों मना रहे हैं, क्यों इनके पास हम आते हैं, ये जान लेना जरूरी है। इसको जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। छोटी सी कहानी ये है कि एक जंगल में बहुत बड़े संगीतज्ञ रहते थे, वो सन्यासी हो चुके थे, अकेले रहते थे। हर शाम को आएंगे, एक पेड़ के नीचे बैठेंगे, अपना मृदंग बजाएंगे और संगीत गाएंगे, संगीत के ऊंचे ऊंचे राग वो गाएंगे, पर किसी को सुनाएंगे नहीं, अपने आप लीन होके गाते हैं। हर रोज जब वो गाते हैं तब एक गाय का बछड़ा वहाँ पर आता है, खड़ा होता है छोटा सा बछड़ा, वो गाना सुनता है, उसके आँखों से आंसू बहते हैं और वो चला जाता है। एक दिन उस संगीतज्ञ ने सोचा कि क्या वो गाय का बछड़ा इतना ऊंचा राग संगीत का समझ पाता है, आता है खड़ा होता है, बड़े बड़े संगीतज्ञ समझ नहीं पाएंगे, क्यों रोता है। एक दिन उन्होंने उस बछड़े से पूछा कि क्या तू इतने ऊंचे संगीत के राग जिसको बड़े बड़े संगीतज्ञ समझ ना पाएंगे तो उसे समझ पाता है, तो क्यों रोता है, क्यों खड़ा होता है, क्यों हरस सुनता है। तो गाय के बछड़े ने कहा कि नहीं साहब, हम बड़े आदमी नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको ज्ञान नहीं है उस चीज़ की, हमको संगीत वंगीत राग वाग वगैरह कुछ मालूम नहीं, पर इसलिए आता हूँ कि ये जो मृदंग आप बजा रहे हैं, मृदंग के दोनों साइड में जो चमड़े लगे हैं वो चमड़े मेरे माँ के चमड़े हैं। गाय के चमड़े से ही मृदंग के दोनों साइड के चमड़े बनते हैं, उसके माँ के छाल के बने हैं। तो जब वो मृदंग बजता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ मुझे पुकार रही, बुला रही है। आता हूँ, खड़ा होता हूँ, थोड़ी देर उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो लगता है मेरी माँ के साथ बात हो रही है, शांति सुकून मिलता है, चला जाता है। ये जो उसने कहा यही वजह है हम जो पर्व मनाते हैं, अच्छे से समझते हैं कि भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी ये कहता है, बड़े बड़े ऊंचे जिसको जमाना, सोसाइटी, समाज मानता है कि उन्होंने जीवन के सत्य को जाना, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गुरुजी लाओसे, बामा, वो सबका भी यही कहना है, बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना है, वेदांत का, उपनिषद का, भारतीय दर्शन का ये कहना है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है ये वास्तव में किसी को पता नहीं है। अगर हम सच में अंदर से पूछे तो ईश्वर है या नहीं हमें पता नहीं है, में भी बहुत तर्क है, नहीं है में बहुत तर्क है। ध्यान में जाकर जिस तरह से हम विज्ञान की बाहरी खोज करते हैं, उस तरह से अपने अंदर ध्यान में जाकर, मेडिटेशन में, ध्यान यानी कोई मंत्र वगैरह नहीं, ध्यान यानी लीन होते हुए ध्यान में, विचार को हटाते 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 शांत होते होते इतने शांति की गहराई में चले जाते हैं योगी, उस जगह पर पूरे अस्तित्व के सहित, एग्जिस्टेंस के सहित उनको एकत्व, यूनिटी फील होता है, इसको हम योग कहते हैं। तब उनको पता चलता है कि अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर क्या है नहीं है। पर हम साधारण लोगों को ईश्वर क्या है नहीं है पता नहीं है। अगर ईश्वर है, हम खोज रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं अंदर मेडिटेशन में, योग में, अगर सिद्धांत यही है कि हम ढूंढ रहे हैं ईश्वर है या नहीं हमें पता नहीं है, तो ये राम, ये कृष्ण, ये शिव, ये पर परवान क्या है, हम क्यों आते हैं इसके पास। इनके पास हम इसलिए आते हैं कि इनसे हमने जीना सीखा है, जीने की कला सीखी है, जीवन में कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है हमने इनसे सीखा है। बचपन से इनके सामने हमने सर झुकाया है आज तक। जब भी किसी विपद में हम पड़ते हैं, विपत्ति में आते हैं, तो हमारे जुहा उन्हीं का नाम अपने आप ले लेती है। जब भी किसी खुशी का क्षण आता है, हमारे हृदय धड़कते हुए उन्हीं का नाम कहती है। इसलिए हमारी नौकरी करा दीजिए, हमारी बच्चे करा दीजिए, हमारी गाड़ी खरीद दीजिए, इसलिए नहीं, हम इनके पास इसलिए आते हैं कि जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ की आवाज़ सुन के मृदंग से, मृदंग की चमड़ी से सुकून पाता है, सिर्फ इनके पास बैठते ही हमको सुकून मिलता है, सिर्फ इस भोलेनाथ के पास बैठते ही हमको सुकून मिलता है। वर्ष भर जिसको बुलाता रहे उसको सिर्फ वृषभ के ऊपर देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सभी आकर यहाँ पर जमा होंगे, आगे आगे हम देखते जाएंगे, यही कारण है।
अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। तीन दिन का ये शिव विवाह का लगातार सेलिब्रेशन होगा। इसका ये पहला दिन है जिसको शिव निमंत्रण देव निमंत्रण कहा जाता है। इसमें गांव के जो इष्ट महादेव हैं नीलकंठ महादेव, उनसे उनके मस्तक से एक फूल के हार को लेकर गांव के अंतिम भाग में नारायण का जो मंदिर है वहां पर विराजमान भगवान नीलकंठ के पत्नी या देवी दुर्गा भगवती के पास लिया जाता है, उनको स्पर्श कराया जाता है। और रास्ते में वो माला को, वो फूल के हार को जब लेकर जाते हैं, जो नीलकंठ भगवान के मुख्य पुजारी होते हैं वो लेकर जाते हैं, तरह तरह के वाद्य जैसे घंट मृदंग कला काहल नृत्य संगीत श्लोक स्तोत्र गायन वेद पाठ आदि के मध्य से होकर बड़े आडंबर से वो जाकर पहुँचता है। रास्ते में हम देखते हैं किस तरह से वो जाता है। घंट मृदंग की गंभीर ध्वनि के साथ बरसों पहले यहाँ पर पटाखे जलाए जाते थे। अलग तरह के पटाखे थे, खरीदे हुए पटाखे नहीं थे, हाथों में बनाए जाते थे। लगभग एक नारियल पेड़ जितना ऊंचा होगा उतना ऊंचा एक रॉकेट जो हाथ से बनाया जाता था, बांस से बनाया जाता था, वो ऊपर जाता था उसकी गर्जन उसकी ठानी से और वो नीचे आता था। इस तरह के सैकड़ों पटाखे जलाए जाते थे जिसकी कुछ झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। पटाखे नहीं हो रहे हैं, अब उसके प्रतीक में कुछ छोटे छोटे पटाखे उसी तरह के बनाए जाते हैं, उसके कुछ झलक देखते हैं। ये पूरा देव निमंत्रण सारे देव समाज को ध्यान से भक्ति से बुलाया जाता है शिव विवाह के लिए। अगले दिन हम शिव विवाह किस आडंबर के सहित और इससे हजार गुना ज़्यादा आडंबर के सहित मनाया जाएगा आगे आगे देखते रहेंगे। शंभो शंकरा।